जी आपका परिचय। मैं चंद्रजीत सिंह निक्कू, पार्षद कांग्रेस पार्टी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सहारनपुर। आज किस जगह पर कार्यक्रम किया गया? आज हमने 3 वार्डों में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को निकालने का काम किया है। प्रियंका गांधी जी द्वारा जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई है, उसी क्रम में ये हम यात्रा निकाल रहे हैं और जो प्रियंका गांधी जी ने आम जन के लिए प्रतिज्ञा ली है, उनसे लोगों को अवगत करा रहे हैं। आज हमारी इस यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पुरुष शामिल रहे। हमारे साथ मुख्य रूप से आज आरिश सिद्दीकी साहब, राजा फरीद साहब, योगराज सैनी जी, अश्विनी शर्मा जी, राहुल सिंह जी, मोनी नागपाल जी, सचिन छोटू प्रधान जी और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उपमा सिंह जी और बहुत सारे साथी हमारे इसमें आज शामिल हैं। जी आपका परिचय? मेरा नाम विजयन सिंह राणा है, मैं भारतीय किसान एवं भानु का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के निर्देशानुसार लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है 19 तारीख का। अभी पिछले गत महीने में नवंबर में 3 अक्टूबर में एक इमलिया में जिला एटा में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए थे ज्ञापन लेने के लिए। उसमें किसानों कुछ मांगी थी, उसमें महत्वपूर्ण मांग थी नंबर 1 पे किसान आयोग का गठन करा जा और दूसरा किसानों की पूर्ण कर्जा माफ़ी की जा। आज आप यहाँ पे किस विषय में आए हैं? आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमने ज्ञापन दिया था उसका कोई जवाब अभी तक हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मिला, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश करा है कि 18 तारीख में लखनऊ जाना है और 19 तारीख में धरना का प्रोग्राम वहाँ है। वही ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए आए थे कि या तो हमें इसका 10 दिन में जवाब दे दिया जाए, नहीं तो फिर लखनऊ कूच करने की तैयारी है। दूसरी समस्या हमारे नकुड़ तहसील में ग्राम ढिक्का की है, वहाँ पर जो ज़मीन है यमुना जी बरसात में इधर उधर चलती रहे तो कुछ ज़मीन कभी यमुना की बाहर निकल जावे, कभी किसानों की यमुना जी में चली जा, उसमें गन्ना बो रखा किसानों ने, उसका एक पक्ष कार्रवाई करते हुए प्रशासन सहारनपुर द्वारा उसका नीलाम करवाया जा रहा, जो बिल्कुल गलत और अवैध तरीके से करा जा रहा। तो उसी के बारे में आए थे जिसमें 30 तारीख में नीलाम करने की कोशिश करी गई जिसका किसानों ने विरोध किया था। उसी के उसमें आए थे जब कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोर्ट में चल रहा है केस और वहाँ से स्थगन आदेश भी हो गया, तो नीलामी पूर्ण रूप से रोक की जा और किसानों को उनकी नकलें जारी करी जा ताकि वह अदालतों में अपना रिकॉर्ड दे सके, अपना सबूत दे सके। दूसरा ढिक्के में ही एक अवैध खनन का पट्टा करा जा रहा, करा कर दिया पहले से ही। उस पट्टे में 40-50 फुट गहरे गड्ढे खोद दिए, उससे जो लगानी भूमि है किसानों की उससे खतरा बन गया और आने वाले टाइम में बरसात के दिनों में वो आबादी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया उस चीज़ के लिए? डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, आगे उन्हें टाइम दिया है 20 दिन के अंदर, अगर वो कार्रवाई नहीं करते, सुनवाई नहीं करते तो किसान बड़ा आंदोलन करने के मूड में, फिर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज का पेपर मिल रोड न्यू टाउन गार्डन कॉलोनी में श्रीमद् भागवत का 5वां दिन है और आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं महिलाओं की और बच्चों की राधे राधे। उनका नाम क्या है?